सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है और कोरोना की वजह से मतलब पूरी जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन के बारे में तो यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनियों पर भी काफी हद तक कोरोना वायरस का असर पड़ रहा है और यहाँ पर जो लॉकडाउन वगैरह है इससे भी काफी हद तक जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से काफी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस निकल कर के आ चुके हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं लॉन्च होने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जो वीडियो है सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूँ यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में तो ये जो चीज़ है वो काफी समय से चल रही है और पूरी दुनिया के लोग परेशान है इसकी वजह से और काफी लोग डेली मर भी रहे हैं। यहाँ पर इस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ घर में रहने की जरूरत है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर में ही रह रहे होंगे और मास्क वगैरह जो सैनिटाइजर वगैरह है उसका यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर बात करूँ स्मार्टफोन सेक्टर के बारे में तो यहाँ पर अब स्मार्टफोन सेक्टर पे भी कोरोना वायरस का काफी हद तक फिर से जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनियों की तरफ से एक काफी अच्छा जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया है। कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि रियलमी इंडिया में 4 मई को अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है जो कि रियलमी GT न्यू स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन होगा जो कि होगा रियलमी X7 मैक्स 5G स्मार्टफोन। और यहां पर रियलमी की एनिवर्सरी भी है और उस दिन वो लोग एनिवर्सरी वगैरह अपनी सेलिब्रेट करने वाले हैं और वहां पर वो लोग लॉन्च वगैरह भी करने वाले हैं। अब यहां पर दोस्तों, कल जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया उसके बाद में तुरंत माधु सेठ का एक स्टेटमेंट निकल कर के आ गया और वहां पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जितने भी हमारे स्मार्टफोन लॉन्चेज हैं उनको हम फिलहाल कैंसिल कर रहे हैं और यहां पर जो भी हमारी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन वगैरह है उसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी उसके बाद में ये जो चीजें हैं वो फिर से यहां पर परफॉर्म की जाएंगी। तो अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो भी यहां पर स्मार्टफोन वगैरह के जो लॉन्चेस हैं वो यहां पर कैंसिल करना स्टार्ट कर चुकी हैं और यहां पर जो भी जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं उनको जरूरत है कि वो ऐसी कोई भी चीजें ना करें जिससे जो गैदरिंग है वो हो और ज्यादातर लोग एक जगह पर इकट्ठा हों। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करने के चक्कर में थे और दोस्तों इतना ही नहीं अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करने वाले थे तो भी आपके लिए काफी बुरी बैड न्यूज है क्योंकि यहां पर सुनने में ये आ रहा है कि अब लॉन्चेस वगैरह कैंसिल हो रहे हैं तो इसके बाद में स्मार्टफोन के जो स्टॉक होंगे उन पे काफी हद तक असर पड़ने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है कोरोना वायरस का। लोग काम करने जाना नहीं चाह रहे हैं, प्लस काफी जगहों पर लॉकडाउन वगैरह हो गया है तो ऐसे में वर्कर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं फैक्ट्री तक। तो ऐसी कंडीशन में वर्कर कम है तो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो स्मार्टफोन का स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होगा तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेगी। तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए सोच रहे थे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। तो स्मार्टफोन की जो प्राइजेस हैं उन पे भी काफी हद तक असर पड़ेगा। प्राइस डाउन तो होगी नहीं, प्राइस बेसिकली बढ़ने ही वाली है। तो ये पूरी सिचुएशन हुई है और यहां पर ये कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए गए हैं स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से जो कि मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब आपका क्या कहना है सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों, यहीं तक उस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा।